करता हूं, मेरा नाम अमरिंदर झा है और जैसा कि हमारे टीम कैप्टन ने बताया, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, मैं इंडियन रेलवे में लोको पायलट हूं और रोज ट्रेन के इंजन को 140 की स्पीड में यहां से वहां दौड़ाता हूं। मेरा जो एरिया है दिल्ली से लेकर के पंजाब, पंजाब से लेकर राजस्थान, इन एरिया में मैं ट्रेन चलाता हूँ। और मुझे सबसे अधिक शॉर्टेज हुआ कि मैं अपने फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम नहीं निकाल पाता। जब सारी दुनिया सोती है, रात के 2 बजे मैं बैग उठा करके ट्रेन चलाने जाता, तो मैंने अपने आप से डिसाइड किया कि मैं ये चीज़ आगे कंटिन्यू नहीं करने दूंगा। और मैं क्वालिटी टाइम को अर्न करने के लिए मैंने आज से 3 साल पहले मोदी का ज्वाइन किया। उसके बावजूद अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले मेरे टीम में जो डीपी थी, वो डीपी होल्डर क्विट कर गए, तो मुझे लगा कि मेरी टीम टूट जाएगी, तो मैंने वापस रिस्क लिया और मैंने अपने खुद के नाम पर डीपी स्टार्ट किया जिन हरियाणा से मैं बिलोंग्स करता हूँ। और रहा सवाल आज का जो सर के जो बुक है, मेरी पर्सनल मतलब कल जो सर ने उस बुक का नाम बताया, तो मुझे लगता है मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी आई थी क्योंकि इस बुक को मैं काफ़ी दिनों से पढ़ना चाह रहा था। हाउ टू विन्स पीपल एंड इन्फ्लुएंस पीपल, पटेल कर में भी। तो दोस्तों, इस बुक के बारे में मैं पढ़ ही रहा था कि अचानक मुझे व्हाट्सएप पे एक स्टोरी भी मिली जो अचानक से इसको रिलेट कर ली। सबसे पहले मैं वो स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक जंगल था और जंगल में एक जो बंदर था वो सुसाइड करना चाहता था। अब उस बंदर को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सुसाइड कैसे करूं, तो उसने देखा घूमते घूमते सामने एक शेर सो रहा है। वो शेर के पास पहुंच गया और उसकी कान पकड़ के खींचने लगा। कान पकड़ के खींचने से क्या हुआ, शेर की जो है अचानक से नींद खुल गई और उसने कहा, ओ बंदर, तुम्हें डर नहीं लगता? मैं जंगल का राजा हूं, तू मेरी से मेरी कान खींच रहा है। बोला, महाराज मुझे डर लगता है लेकिन मैं खुद मरना चाहता हूं, तो आप मुझे मार के खा जाओ। तो शेर ने बोला, पहले दाएं बाएं देखा, बोला तुझे मेरा कान खींच के किसी ने देखा तो नहीं? बोला, नहीं महाराज। बोला, 2-4 बार और खींच, बड़ा मजा आता है। बंदर भी फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या कह रहे शेर। बोलते, यार पूरे जंगल में अकेला मैं शेर राजा हूं, मेरे कोई दोस्त नहीं है, और जब तू कान खींच रहा था तो मुझे गुदगुदी हो रही थी और मुझे तुझसे अपनापन का एहसास हुआ, तो तू एक काम कर, 2-3 बार मेरे कान और खींच, मैं तुझे मारूंगा नहीं। तो दोस्तों, जब एक जंगल के राजा को भी एक दोस्त की जरूरत पड़ती है तो हम नेटवर्क से दो दोस्त क्यों नहीं चाहिए। और जब हमारे जंगल सर ने एक चीज कहा था, फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट, और इस चीज को जो मुझे जो टॉपिक मिला, दो गुण सहज, उस किताब में लिखा हुआ था दो गुण सहज, और उसमें मैंने पढ़ा कि उसमें क्लियर लिखा हुआ है, यदि आप कोई गलती करते हैं तो उसे आप साहस और तुरंत मान लीजिए कि सर मेरे से गलती हुई है, ये आपका बड़प्पन होगा। सवाल, यदि आप सहज की बूंदे गिराएंगे तो वहां कटुता कभी भी पैदा नहीं होगी, वहां मक्खियां ही आएंगी। ये चीज यहाँ पे सर से भी पहले दोस्ताना व्यवहार कर लिया तो यकीन मानिए, क्योंकि बिजनेस वो आपको देख के ज्वाइन कर रहा है तो लोग कुछ भी छोड़ सकते हैं, दोस्ती कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, शेर ने अपना उस बंदर को दोस्त बना लिया। तो सर इसके लिए ओके एग्जाम्पल कंपनी इंग्लैंड में थी जो कि काफी दिनों से हड़ताल के बीच फंस गई थी, मजदूरों का हड़ताल था, कंपनी मैनेजमेंट को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो डेल कार्नेगी साहब लिखते हैं इसमें कि रॉकफील्ड जो कंपनी मैनेजमेंट ने जिसको बुलाया था इसकी मध्यस्थता करने के लिए, जब वो आए तो उन्होंने सिचुएशंस को पहले समझा। सिचुएशंस को समझने के बाद उन्होंने क्या किया, जितने भी मील मजदूर थे उनके फैमिली मेंबर्स के पास गए, उनसे संपर्क स्थापित किए। जब शुरू में उनको पता चला कि ये कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से आए, सारे उनसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा, देखो ना तो मैं कंपनी मैनेजमेंट का आदमी हूँ, ना मैं तुम्हारी तरफ से हूँ, मैं तो बस इस सिचुएशंस को समझने आया और उसमें आप मेरी मदद करो। तो उन्होंने क्या किया, फिर उनके साथ दोस्ताना व्यवहार हुआ और 2 महीने के बाद जब वो स्टेज पे उस मीटिंग के लिए आए, जब उन्होंने मध्यस्थता करवाई मैनेजमेंट और कंपनी मजदूरों के बीच, तो उन्होंने वर्ड कहा कि आज से 2 महीने पहले यदि मैं ये मध्यस्थता करवा देता तो शायद सिचुएशन आज जैसी नहीं होती, लेकिन अब मैं चूंकि इनको अच्छी तरह से जान चुका हूँ, इनके साथ घुल मिल चुका हूँ, तो आज का जो सिचुएशन है, मुझे उम्मीद और आशा ये पूर्ण विश्वास है कि आज जो है मैं सक्सेसफुली आप दोनों को आपस में कम्यूट करके रहूँगा। तो सर इसीलिए इस पूरी की पूरी स्टोरी से हमें यही समझ में आता है, यदि आपने अपने नेटवर्क्स में बिल्डअप करना है, ज्यादा करना है, तो आपने सबसे पहले दोस्त बनाने होंगे। फर्स्ट यू कनेक्ट देन यू कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच।